Bhoktaram yaktapsam sarvaloka maheshwaram suhurdam sarvabhutanam gyatamam shanti mrachati. ये श्लोक भगवान ने भगवद गीता में कहा है और इस श्लोक में कई सारे दृष्टिकोण हैं। भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोका महेश्वरम शांति किसको मिलनी चाहिए, मगर हम एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। भगवान बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति को एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति एक चाहता मेरा कोई फर्स्ट फ्रेंड रहे, क्लोज फ्रेंड रहे। और क्यों चाहता है वो? क्योंकि हर व्यक्ति इस दुनिया में अपना हृदय किसी से शेयर करना चाहता है और किसी का हृदय सुनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू लव समवन, ही वॉन्ट टू बी लव्ड बाय समवन। वो खुद किसी को प्रेम करना चाहता है और वो चाहता है कोई मुझसे भी प्रेम करे। एक स्वाभाविक एक मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का हर जीव का स्वभाव है। हम जानवर में भी देख सकते हैं, कुत्ते बिल्ली में भी मनुष्यों कभी भी बहुत प्रेम करते हैं। तो प्रेम करना जीव का स्वाभाविक गुण है। वो चाहता मेरे पास कोई मित्र हो, मेरा फास्ट फ्रेंड हो जिससे अपना हार्ट शेयर करूँ, वो मेरे से शेयर करे। तो सबको एक मित्र की आवश्यकता होती है। अभी आज से कलयुग में तो ऐसा है कि लोग बोलते हैं मेरा पक्का मित्र है, लेकिन उससे आधी चीज़ें छुपा के रखते हैं। मित्र मतलब हार्ट टू हार्ट, नथिंग, कुछ चीज़ छुपे नहीं होती। आदमी एकदम एक तरह से कहता नेकेड होता है उसके सामने। आजकल लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, मैत्री कहाँ करते हैं, यहाँ बैठे इंडिया में और फेसबुक में अमेरिका के लोगों से फ्रेंडशिप करेंगे। अरे भाई, भगवान ने आपको मित्र इंडिया में, अगर अमेरिका में देना होता तो आपको भगवान अमेरिका में नहीं, इंडिया में पैदा, अमेरिका में पैदा करते। जिस जगह में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, वहाँ किसी से नहीं जमेगी उनकी, लेकिन दूसरी जगह जमेगी, दूसरी कॉलोनी में, दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में। अब तो ऐसा हो गया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब सर्च में है। एवरीवन इज सर्चिंग ऑफ द फ्रेंड। तो सर्च, फ्रेंड सर्च करना इट इज़ नॉट रॉन्ग। दोस्त को ढूंढना ये गलत नहीं है, सही, क्योंकि हम सबकी नीड है। गलत क्या है? गलत दिशा में ढूंढना। सही व्यक्ति वो होता है जो सच्चा दोस्त देखता है। सच्चे दोस्त की परिभाषा का ये अपने आप में बड़ा बृहद विषय। किसको कहेंगे सच्चा मित्र? ये बड़ी अद्भुत विषय है एकदम। अभी जनरली हम तो ये सोचते हैं जिसने मेरे को, मेरी इंद्रिय तृप्ति में जो सहायता कर रहा है वो मेरा मित्र है। मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, मेरे को रोक टोक नहीं रहा, मैं शराब पीऊँ मेरे को बोले नहीं, मैं जुआ खेलूँ मेरे को सपोर्ट करे, मैं लड़कियों का संग करूँ मेरे को सपोर्ट करे, तो गलत काम में जो मुझे सपोर्ट कर रहा है वो मेरा बढ़िया मित्र है। क्यों? क्योंकि वो मेरे को करेक्ट नहीं कर रहा है, वो मेरे को दोष नहीं दे रहा है। यदि ऐसा मित्र हो, समझ जाइए, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मित्र का मतलब ये होता है कि जो हमको करेक्ट करे, हमारे उससे संबंध इतना गहरा हो कि मैं बोल सके देखिए प्रभु जी या सर और मैडम, मेरे दोस्त, आप ये काम कर रहे हो उसका परिणाम गलत होगा, आपको भविष्य में कष्ट उठाना पड़ेगा, इसको छोड़िए आप। इसको बोलते हैं मित्र। जैसे विदुर महाराज थे, विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र का उद्धार करके ही छोड़ा, क्योंकि तो पता था वो आसक्त थे भौतिक जगत के, भौतिक जगत की सुख सुविधाओं से, राज वैभव से। तो उन्होंने एक, इससे बोलते हैं सुहृदम, मतलब वेल विशर। मित्र यानी प्रभुपाद जी डिफाइन करते हैं वेल विशर हमारा, जो हमारा अच्छे की कामना करता हो। अच्छे की कामना का मतलब ये नहीं कि हम गलत काम करें तो भी अच्छे की कामना करेगा, हमको करेक्ट करना, उससे हमें इतना अधिकार देना चाहिए कि हम कुछ गलती करें तो हमें करेक्ट कर सके, हम रास्ते से भटक रहे हमें बोल सके वो, उसको बोलते हैं मित्र। गीता में भगवान बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं ही सबका सच्चा सुहृदय हूँ। तो वो कह सकता है सुहृदय कैसे है भगवान? क्योंकि भगवान सबके सच्चे वेल विशर हैं। भगवान ना किसी से द्वेष रखते हैं और ना किसी से राग रखते हैं, लेकिन यदि कोई उनको प्रेम करता है, स्वाभाविक है भगवान भी उसको प्रेम करेंगे। यदि हमें कोई व्यक्ति प्रेम करे, वो भी निस्वार्थ करे, हम भी उसको प्रेम करेंगे। कोई मान लो व्यक्ति रोज आके आपको 500 का नोट घर में दे, लीजिए सर 500 रुपये दे के चला जाए, ऐसा रोज करे, एक दिन होगा, दो दिन होगा, तीन दिन होगा, आप भी सोचोगे रोज मुझे फ्री में आता 500 का नोट ले दे के जाता है, मैं भी तो कुछ इसकी सहायता करूँ, पूछूँ तो कहने का भाव है कि हमारे सच्चे मित्र जो हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। हमें उनसे अपनी केवल मैत्री को, हमारा जो संबंध है उस संबंध को जागृत करना है। कि भगवान हमारे सच्चे वेल विशर है। हमारे प्रभुपाद जी जो अपने शिष्यों को पत्र भेजते थे उसमें नीचे लिखते थे योर एवर वेल विशर। वेल विशर का मतलब ये होता है कि अगर आप गलत करो तो आपको बोलेगा कि देखिए आप गलत कर रहे हैं, ठीक नहीं है, और अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको इनक्रेज करेगा, उसको बोलते हैं वेल विशर, सच्चा हृदय। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान बोलते हैं मैं सभी जीवों का सुहृदय हूँ, सभी के मंगल की कामना करता हूँ, मेरे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है ना द्वेष है, मैं सबका हितैषी हूँ। और वाकई में भगवान कृष्ण से हमें अच्छा मित्र कोई मिल ही नहीं सकता। ये बात बुद्धिमानी नहीं है कि हम संसार के लोगों से मित्रता करें। हाँ करना चाहिए, जब तुम सोसाइटी में है, रह रहे हैं,
थोड़ा बहुत जितना रिक्वायर उतना करना चाहिए, लेकिन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास तो हम कल कृष्णा पे कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारे सच्चे हितैषी हैं, वही हमारे सच्चे मित्र हैं। मित्र का मतलब ये होता है, एक परिभाषा ये है कि जो हमारे बुरे वक्त में हमें सहयोग दे, ये एक परिभाषा है मित्र की। बहुत देखिए, मित्र के बहुत सारे हिंदी में, इंग्लिश में केवल एक ही वर्ड है फ्रेंड, हिंदी में बहुत सारे शब्द, यार है, दोस्त है, मित्र है, बहुत शब्द निकलेंगे, बंधु है, वो सबके मित्र भी अलग अलग हैं। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु, मैं इतना पतित हूँ, लेकिन शिव गुरु देखिए, इस जगत के लोग जनरली मैत्री करते हैं तो किससे करते हैं, अपने कुल के लोगों से मैत्री करते हैं, बट श्री गुरु करुणा सिंधु, देखिए गुरु कितने करुणावान है, अधम मुझ जैसे नीच को जनारा बंधु, मुझे उन्होंने अपनाया, मुझे स्वीकार किया है। तो हमारे साधु, हमारे कृष्णा, हमारे शास्त्र भगवत गीता, ये हमारे सच्चे मित्र हैं, क्योंकि हमें जीवन की सही राह दिखाते हैं, ये हमको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। हमारे जीवन में तरह तरह के संकट आएंगे, विपत्ति आएंगे, जहाँ हमको निर्णय लेना पड़ेगा लाइफ का। भौतिक मित्र हमें गाइडेंस नहीं दे पाएगा, लेकिन आध्यात्मिक मित्र बताएगा कि क्या किस सिचुएशन में निर्णय कैसे लिया जाए, क्या डिसीजन लिया जाए कि उस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।